Hi guys, Assalamualaikum. Today I'm here to share the most exciting story of my life with you. It's my genealogy story. For those of you who are not sure what genealogy means, it's basically the study of family trees. So you find out more about your family, your relatives and what they used to do, what their occupation was, and you just basically try to connect the dots. First of all, before we go any further, I'm going to show you exactly where you'll find this story of mine along with really exciting pictures as well. So let's go and see where they are on my website. Just go on to www.nadiyanajib.com and then blog and then genealogy, my story. So this is where my story is. This is what I'm going to tell you today. And it's so exciting. I cannot wait to tell you guys. So my genealogy story part 1 and then part 2. So this is what we're going to discuss today. तो अब मैंने आपको बता दिया इसका लिंक किधर आप ये स्टोरी पूरी with pictures देख सकते हैं और अभी मैं उसको आपको explain करने लगी हूँ. स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि जब मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी थी और उस वक्त से ही मेरा जो नेचर था वो बहुत क्यूरियस था. मैं अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करती थी, उनसे मुश्किल सवाल करती होती थी कि मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ और हम सब कौन हैं. इस तरह के मेरे सवाल बहुत ज़्यादा होते थे. तो बचपन से ही मैं थोड़ी फैसिनेटेड थी ये फैमिली ट्रीज़ वगैरह से. और फिर जब मैं स्कूल गोइंग हो गई थी, जब मैं अराउंड 6th 7th ग्रेड में थी, तब मैंने एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया था और उस पर मैंने अपना फर्स्ट फैमिली ट्री बनाया था विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स एंड ऑल. एंड वेरी सून आई रियलाइज दैट इट्स नॉट इनफ. आई वॉज एबल टू फिट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द चार्ट पेपर एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डिग डीपर इन टू द सब्जेक्ट एंड हैव अ बिगर एंड बिगर पेपर टू ड्रॉ इट ऑन. तो फिर मेरे अब्बू एक दफ़ा कहीं गए थे और वो फैमिली ट्री का सॉफ्टवेयर लाए थे. फिर मेरे अब्बू और मैं उसको कभी एक्सप्लोर करते थे, उसमें हम लोग डालते थे और वो थोड़ा बड़ा फैसिनेटिंग मुझे लगता था. वहाँ से ये कहानी शुरू होती है. मीनवाइल जो मेरी नानी हैं वो एक ओनली चाइल्ड हैं और बचपन से हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपनी नानी से. उनका नाम रोज़मेरी एन है. शादी के बाद रोज़मेरी एन सरफराज हो गया था और उससे पहले रोज़मेरी एन यंग था. तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने सारे फैमिली पे रिसर्च स्टार्ट की, उनसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि आप लोग किधर से आए हैं ये वो. तो नानी जो है वो बहुत अपनी फैमिली को हमेशा से मिस करती थी. उनकी बहुत क्लोज नेटेड फैमिली होती थी तो वो हमें बचपन से ही ना कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनाती होती थी अपने बचपन की. इंडिया में वो ग्रो अप की थी और उनकी कहानियों में उनका एक जो फेवरेट कज़न था उसका नाम रॉबिन था, वो हमेशा उनकी कहानियों में होता था. तो वो जब कहानियाँ सुनाती थी अपनी आंट्स की, अपने अंकल्स की, अपने अब्बू के बहन भाइयों की, और बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल भी हो जाती थी, नॉस्टैल्जिक भी होती थी क्योंकि शादी के बाद शी सॉर्ट ऑफ लाइक स्टार्टेड लूजिंग ऑल हर फैमिली, हर साइड ऑफ द फैमिली. क्योंकि मेरी नानी एक मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूँ, मेरी नानी जो है वो बेसिकली एक ब्रिटिशर थी. उस ज़माने में सब कॉन्टिनेंट वॉज रूल्ड ओवर बाय द ब्रिटिश. तो नानी के जो अब्बू हैं, ही वॉज वर्किंग फॉर ब्रिटिश रेलवे एंड ही वॉज पोस्टेड टू इंडिया. सो दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू लिव इन इंडिया. और वो और उनकी फैमिली पूरी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फैमिली इंडिया में ही रहती होती थी. मीनवाइल फिर मेरी नानी फेल इन लव विद माय नाना हु वाज एन आर्मी ऑफिसर. और टिपिकल देसी फैमिली थी, गांव से ये लोग बिलोंग करते थे, पिंडी खेप से. और दे फेल इन लव और उनकी शादी हो गई. शादी होने के बाद पाकिस्तान जब बना और उसके बाद क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे पहले और पाकिस्तान बनने के बाद ब्रिटिशर्स स्लोली स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द कंट्री. तो फिर नानी के जो सारे रिलेटिव्स जो इंडिया में होते थे वो मूव आउट करना शुरू हो गए. नानी पाकिस्तान में आ गई अपने हस्बैंड के साथ और उनकी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई. तो कुछ साल शी वॉज़ इन टच विद एवरीबडी, लाइक शी वॉज़ इन टच विद हर कज़न रॉबिन. वो लेटर्स वगैरह लिखते थे एक दूसरे को और पिक्चर्स वगैरह भेजते थे. वो वापस उस वक्त इंग्लैंड चला गया था और नानी के जो अपने फादर हैं वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे. तो खैर शुरू में ये लोग लेटर्स एक दूसरे को लिखते थे, लेकिन ओवर द ईयर्स क्योंकि नानी के हस्बैंड आर्मी में थे, दे यूज़ टू कीप मूविंग अराउंड और फ़ोन कॉल्स, और वो बहुत एक्सपेंसिव थी उस ज़माने में, सिर्फ पोस्टल मेल थी. तो क्या हुआ कि स्लोली दे लॉस्ट
लॉस्ट कॉन्टैक्ट कम्प्लीटली. उसके बाद फिर बाय द टाइम आई ग्रो अप, मैं जब बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, मैं इंग्लैंड चली गई. उस टाइम तक लाइक ऑल टुगेदर इट हैड बीन 50 ईयर्स के नानी हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर कज़न रॉबिन, कि वो ज़िंदा भी है या नहीं है. और ओवर द ईयर्स वो हमसे बातें तो करती रहती थी, हमें अपनी फैमिली की कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन वही बातें आहिस्ता आहिस्ता इतनी सैड उनकी होनी शुरू हो गई. समटाइम्स शी वुड हैव टीयर्स इन हर आइज टेलिंग अस ऑल अबाउट हर फैमिली एंड द फैक्ट दैट शी हैड नो क्लू वे दे आर एंड इफ दे वर अलाइव और नॉट, क्योंकि इतने साल गुजर गए थे, शी वॉज वरीड कि वो पता नहीं जिंदा भी हैं या नहीं. तो ये सब कुछ हो रहा था. अच्छा, अब आगे चलते हैं. फास्ट फॉरवर्ड अराउंड 2010 एंड 2011, आई वॉज लिविंग इन इंग्लैंड एंड नानी वॉज ऑब्वियसली बैक होम इन इस्लामाबाद. तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं इधर इंग्लैंड में हूँ और मेरे एंसेस्टर्स भी इंग्लैंड में ही हैं, मतलब थे. तो मे बी देर इज़ अ वे टू फाइंड आउट नानीज फैमिली. तो इट साउंडेड टू फार ऑफ कि हो ही नहीं सकता कभी भी ज़िंदगी में, मैं मतलब इतनी पुरानी बात है और मैं कैसे इस तरह कुछ कर सकती हूँ. खैर, थैंक्स टू गूगल मैंने ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट की. आई केम अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट कंपनीज, एंड देन सडनली आई केम अक्रॉस दिस वेबसाइट विच वॉज कॉल्ड ancestry.co.uk. उसमें पहले मैंने फ्री अकाउंट बनाया, उसमें मैंने अपना फैमिली ट्री बनाया. और उसमें वो ये बताता है कि अगर फ्री अकाउंट भी है ना, तो इफ़ योर फैमिली ट्री हैज़ द सेम पीपल इन इट एज समबडी एल्सिस फैमिली ट्री, देन इट विल गिव यू सॉर्ट ऑफ लाइक अ लिंक, अ हिंट, कि अगर इफ़ यू बाय द मेंबरशिप देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद अदर्स हु हैव द सेम पीपल इन देयर फैमिली ट्री. इस तरीके से ना आप अपने रिलेटिव्स पोटेंशियली ढूंढ सकते हो. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, बहुत टाइम लगता है. यू कीप मीटिंग डिफरेंट पीपल लिंक्स के थ्रू, आप डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं. लेकिन मुझे हल्का सा होप नज़र आया, तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ ना, मैं ये मेंबरशिप खरीदती हूँ और कुछ महीनों के ही अंदर आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट वेयर रॉबिन इज़. मेरा जो शुरू से एम था वो ये था कि मैंने रॉबिन को ढूंढना है. 50 ईयर्स से उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ उसका पता नहीं है कि वो ज़िंदा भी है या नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं पता. लेकिन मुझे बस ये था कि मैंने अपनी नानी के लिए ये ज़रूर करना है कि मैंने किसी तरीके से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है. अच्छा, फिर खैर वो मैंने मेंबरशिप ख़रीदी कुछ महीनों के लिए, क्योंकि एक्सपेंसिव भी थी उस ज़माने में. और मैं अपनी फुल टाइम जॉब के बाद जो है ना, रातों को बैठ बैठ के मैं ये ढूंढ रही होती थी, क्योंकि मैं चाह रही थी जल्दी से जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो मेंबरशिप कैंसिल हो. अच्छा, अब वन बाय वन मैंने जो है ना, वो जो भी जिसके भी ट्री से मेरा ट्री मैच कर रहा था ऑनलाइन, तो उनको मैंने मैसेज करना शुरू किया. और मैंने कहा कि मैं नादिया हूँ, ये मेरा फैमिली ट्री है, एंड आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर रॉबिन, ये उसका नाम है, ये उसके पेरेंट्स का नाम है, और ये सारा. तो ये इन्फॉर्मेशन सारी मैंने पहले से ही अपनी नानी से ली हुई थी और मैंने ट्री में भरी हुई थी. और ancestry.co.uk सो अमेजिंग कि उसमें ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. जैसे नानी ने हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स, इवन मैरिज सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिल चुकी थी. तो मैं फिर आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल. और इस ये प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग था कि कोई हद ही नहीं है. लाइक इट वॉज जस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल. सबसे पहले मुझे मिली थी एक अमेजिंग सी लड़की, वैलरी और डेविड शेरू. ये लोग रहते हैं अल्बर्टा कनाडा में, और ये मुझे मिले थे 2010 में. और इनके थ्रू फिर हमें और बहुत ज़्यादा लोग मिले. ये वो इसने मुझसे वो स्टोरी शेयर की जो किल्बर्न फैमिली, जो हमारी ही बनती है, उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स और इतने पुराने लोगों के बारे में कि उनकी हॉबीज़ क्या थी, वो क्या करते थे, उनके प्रोफेशन क्या थे, उनके बारे में उनकी फैमिली स्टोरीज, विच इज़ सो सो इंटरेस्टिंग. एनी वे, हम लोग वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स. सो बेसिकली वैलरी जो है वो मेरी नानी की, नाना की बहन के डिसेंडेंट्स में आती है. तो काफ़ी दूर का रिश्ता बनता है, लेकिन हम लोग, क्योंकि वो भी हमारी साइड ऑफ द फैमिली बहुत सालों से ढूंढ रही थी. उसकी जो फैमिली में एक साइड जो है, उसको बस लास्ट ये पता था कि वो इंडिया में गए थे और वो गायब हो गए, उसको कभी नहीं मिले. तो वो बहुत खुश थी हमसे मिलने के लिए. अच्छा, मीनवाइल लोगों के थ्रू और बेसिकली वैलरी के थ्रू आई गॉट कनेक्टेड टू रॉबिन.
और फिर कुछ ईमेल्स ईमेल्स किए और पता लगा कि वो वाकई वही रॉबिन है. एंड फाइनली व्हेन आई गॉट हिज ईमेल एड्रेस आई वाज सो एक्साइटेड टू सेंड हिम एन ईमेल एंड से कि मैं नादिया हूँ रोजमेरी एंड यंग्स ग्रैंड डॉटर आर यू बाय एनी चांस रॉबिन. वही मैंने उसके पेरेंट्स का उसको सारा बताया तो उसका रिप्लाई आया एंड ही वॉज द सेम पर्सन. सो इट टुक अ फ्यू आई थिंक साल लगा था उस पर रिसर्च करने में और वो फाइनली वही रॉबिन मिल गया था. और फिर एक फ़ोन कॉल मैंने इंग्लैंड से अपनी नानी को की जिसमें मैंने कहा नानी गेस व्हाट आई फाउंड रॉबिन. और वो फ़ोन कॉल जो थी ना वो लाइफ चेंजिंग थी. वो फ़ोन पे ही रोना शुरू हो गई. शी वॉज सो एक्साइटेड शी कुडंट बिलीव हर आइज के उनको कहती है कि मेरी तो पूरी दुनिया में कोई मेरा अपना रह ही नहीं गया था. उनके मैके का कोई भी नहीं था और अब फाइनली उनको एक बंदा मिल गया था एंड शी फाउंड आउट दैट ही इज़ अलाइव. शी डेंट हैव वर्ड्स एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. सो ये मेरे नानी नाना और मेरी अम्मी की तस्वीर है, और ये फ्रेड किल्बर्न है जो मेरी नानी के नाना हैं जो इंडिया मूव हुए थे. ये पहले नानी के एंसेस्टर हैं जो इंडिया मूव हुए थे, उससे पहले वो सारे इंग्लैंड में ही रहते थे. और ही वॉज़ अ सर्जेंट मेजर. और मैं आपको दिखाती हूँ ये नानी नाना की शादी, ये सैदपुर में हुई थी. और दिस इज़ हाउ नानी एंड रॉबिन आर कनेक्टेड. नानी की जो अम्मी हैं उनके भाई का बेटा रॉबिन था, और ये दोनों इनकी एजेस काफ़ी सिमिलर थी, तो दे वर लाइक वेरी वेरी क्लोज. और गोरे कल्चर में इन दे लाइक सिबलिंग्स, तो ये बहुत इनकी दोस्ती होती थी. अच्छा, अब ये वैलरी कीथ और उसके बच्चे हैं जो अल्बर्टा में रहते हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, हु हेल्प्ड मी फाइंड रॉबिन. और ये वो एडा हैं जो जिसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं, एडा किलबर्न. सो ये मेरी नानी के नाना की बहन है, इनके डिसेंडेंट्स में ये वैलरी आती होती है. ये भी उसकी तस्वीर है. और सबसे सबसे एक्साइटिंग बात ये रॉबिन है. ये 1956 की उसकी तस्वीर है जो नानी के पास थी, और ये 2014 में जब मुझे वो मिल गया था उसके बाद की ये उसकी लेटेस्ट तस्वीर है. इतने सालों के बाद ये लोग मतलब नानी फाउंड हिम अगेन. ये भी ये रॉबिन की तस्वीरें हैं जो मेरी नानी के पास वो उनकी मेक्सिको में बचपन था की. नानी पाकिस्तान में थी और वो दोनों काफ़ी एज के थे तो समहाउ मिलना कभी नहीं हो सका. और पता लगा कि वो गए था तो वो भी बड़ा फनी था. मैंने नानी को बताया फ़ोन करके कि नानी वो जो है ना रॉबिन वो गए है तो वो हंसना शुरू हो गई. कहती हैं आई ऑलवेज न्यू देर वॉज समथिंग रॉन्ग विद हेम. लास्ट जब मिली थी वो तो बहुत ही छोटा था ऑब्वियसली उस वक्त तक तो ऐसा कुछ बात नहीं पता थी. तो खैर एनी वे वी वर इन टच और मामा भी फिर मामा अपने मामू को इतने अरसे बाद मामा ने लाइक फर्स्ट टाइम अपने मामू से बात की तो काफ़ी अच्छा हमारा टाइम रहा. तो फिर ये है कि मेरी जिस साल शादी होनी थी अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे. मेरी फेसबुक पे वो था तो वो फिर मुझे एकदम से पता लगा. सो दैट वाज प्रीटी सैड. बट इन द होल प्रोसेस मुझे सिर्फ रॉबिन नहीं मिला, मुझे और इतने लोग मिले. इन मेरी नानी के जो अंकल्स होते थे जो अंकल बर्टी और अंकल ये काफ़ी अपने अंकल और आंट्स की बातें बताती रहती थी. अंकल आर्थर जो इनके अब्बू के भाई थे तो उनके जो अब उनकी फैमिली का नानी हैड नो आइडिया कि वो लोग किधर हैं, वो जिंदा हैं या नहीं हैं या क्या. तो वो सब भी मुझे मिल गए थे. सब ऑब्वियसली नहीं, लाइक जीनियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है लेकिन अ फ्यू ऑफ द मेन एरियाज वो मुझे मिल गए. तो वो जीनियोलॉजी के ही थ्रू मिले. एक कीथ वॉल्टर यंग एक बंदा मुझे मिला जो साउथ अफ्रीका में अभी रहता है. उससे भी मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ क्योंकि वो भी मेरी अम्मी का अंकल बनता है बेसिकली. सो मेरी नानी के अब्बू के भाई के बच्चों में वो आता है तो उससे भी मैं इन टच हूँ. वो भी बड़ा क्लोज फैमिली है और वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे कि मैं जब साउथ अफ्रीका जाऊँ उससे मिलूँ और जब मैं एल्बर्टा जाऊँ तो मैं वैलरी से मिलूँ. अभी देर सो स्वीट देर सेंडिंग अस बेबी गिफ्ट्स एज वेल. वी आर ऑल कनेक्टेड. अच्छा और उसके अलावा एक और जो मेरी नानी के अंकल की वाली की जो साइड है लाइक उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उसको अभी रिसेंटली मैंने ढूंढा है. और सबसे अजीब बात यह है कि उसका नाम शिरीन यांग है. शिरीन तो हम हमेशा समझते थे कि ये पाकिस्तानी नाम है. मेरी अम्मी का जो नाम है शिरीन मतलब इट मींस मीठा. और वो इंग्लैंड में ही रहती है. वो फुल उसकी गोरी फैमिली है लेकिन उसका नाम उसका अपना नाम शिरीन है.
और वो भी हमारी साइड ऑफ द फैमिली ढूंढ रही थी, क्योंकि उसको भी पता था कि उसकी एक लाइनेज जो है वो इंडिया गई थी, और वो कभी उनको उसके बाद उस साइड का नहीं पता था. लेकिन जब हम लोग इन टच हुए, उसने उसको फ़ौरन लगा कि मैं वो तो नहीं हूँ इंडिया वाली साइड, तो उसने फ़ौरन फिर मुझे मैसेजेस किए, ये वो तो वी कनेक्टेड रिसेंटली अ फ्यू मंथ्स बैक. और फिर यही हुआ, मैंने नानी को यहाँ से कॉल किया और मैंने कहा, नानी यू नो योर अंकल आथर, उनकी फैमिली मुझे मिल गई है, उसमें भी इन टच नाउ. तो वो शिरीन यंग जो है, शी इज़ इन इंग्लैंड नाउ, और हम लोगों की काफ़ी दोस्ती हो गई है, वी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. और अभी वो भी बेबी के लिए गिफ्ट भेजने लगी है. सो इट्स सो एक्साइटिंग टू फाइंड फैमिली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड टेक्नोलॉजी इज़ सो अमेजिंग. लाइक विदाउट टेक्नोलॉजी आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू फाइंड आउट ऑल दीज लॉस्ट रिलेशंस, एंड मैनी रिलेशंस, मैनी ऑफ दीज वी डेंट इवन नो एग्जिस्टेड. वी न्यू अबाउट देयर एंसेस्टर्स क्लियरली, वी हैड पिक्चर्स ऑफ देम, बट उनके नीचे क्या हो रहा है, उनके कितने बच्चे हुए, वो किधर रहे, क्या, वो किसी को आइडिया नहीं था. और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर जब मैंने अपनी नानी के साथ शेयर की, द लुक ऑन हर फेस वॉज सो सो वर्थ इट. मतलब इट वॉज जस्ट अमेजिंग. तो ये एक स्टोरी है जो वॉज लाइक द बेस्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ, एंड एवरी टाइम आई लुक बैक आई एम लाइक, ओ वाह, आई एम सो माशाल्लाह ब्लेस्ड. सब अल्लाह का करम है कि मुझे ये लोग मिल गए थे. और इट्स सो अमेजिंग टू फाइंड फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड हाउ स्पेशली हाउ नानी फील्स अबाउट इट. नानी कीप्स थैंकिंग मी ऑल द टाइम, एंड शी इज़ लाइक, यू कुड नॉट हैव गिवन मी अ बेटर गिफ्ट इन माई लाइफ टाइम, दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ आई हैव एवर हर्ड. सो वी आर इन टच विद ऑल ऑफ दीज पीपल, एंड वी कीप वी रेगुलरली हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और वी कांट वेट फॉर अ रीयूनियन. हम सब प्लान कर रहे हैं कि मिलेंगे किसी एक दिन इंशाल्लाह. So this was my story. I hope you liked it, and if you did, do let me know. Do comment below. और genealogy is so exciting. मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग भी अपने family tree ज़रूर बनाएं. It's so fascinating. Take care. Have a nice day.